मामाज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय करियर मदरहुड। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं आज आप सबको वेलकम करती हूँ हमारे इस चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे या टॉडलर्स है तो हमें कौन सी चीज़ें, यानी मैं मेडिसिन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, कौन से इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो हमें हमेशा अपने घर पर रखनी चाहिए। बिकॉज बच्चों के साथ बहुत ही सिचुएशन अनसर्टेन होती है, उनकी तबीयत कब बिगड़ जाए, नहीं बिगड़ जाए, हमें कुछ नहीं पता चलता। जैसे कि हम जानते हैं आजकल हमें ये पता है कि 24 आवर्स फार्मेसीज ओपन होती है, बट फिर भी एक ये वाइज डिसीशन है हमें कि अगर बच्चे या टॉडलर्स घर पे हैं तो हमें हमेशा कुछ मेडिसिंस अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके हमेशा अपने घर पे रखनी चाहिए। उन मेडिसिंस का कितने बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो मंथ वाइज उनके उस हिसाब से डोज भी मेडिसिंस के चेंज होते हैं। तो आप प्री हैंड बिफोर हैंड अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर रखें कि कौन सी मेडिसिन हमें हमेशा घर पर रखने चाहिए। 3 to 6 मंथ्स के बच्चे को या जो भी, वो एक सिंपल सा चार्ट उनसे ले लें कि किस एज ग्रुप में आपको कितनी मेडिसिन देनी है, आई मीन टू से डोज कितना देना है मेडिसिन को। तो इन सब बातों का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। पहले ये होता था कि अगर 100 दुकान है हमारी सिटी में तो उसमें से एक या दो दुकानें होती थी जो 24 आवर्स ओपन होती थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। अभी हम कहते हैं कि अभी तो 24 आवर्स होती है, ज़रूरी क्या है रखने की। जी नहीं, अगर बच्चे घर में बच्चे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर पर कुछ ना कुछ मेडिसिन हमेशा रखें। तो आज ये वीडियो पूरी तरह इसी के बेसिस पे है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो मेरी तरफ से आपको यही एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप कुछ भी मैं जो आपको बता रही हूँ जस्ट एज अ गाइडेंस, उसे अपने माइंड में नोट करके रखिए। बट ये कोई आप 100% प्रूफ, मेरे लिए ये 100% प्रूवन है, मे नॉट बी ये आपके लिए वर्क ना करे, बट मैंने ये सब कुछ अपने डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर रखा हुआ है। आप इसे एज अ गाइडेंस लें, ना कि इसे कंप्लीट कन्फर्म्ड रिजल्ट्स लें, बिकॉज हर बच्चा यूनिक होता है, किसी पे कुछ चीज़ें वर्क करती है, कुछ ना नहीं करती है। तो आप एक प्रिकॉशन हमेशा लेके चले कि अपनी डॉक्टर की एडवाइस हमेशा अपने पास रखिए। ये मेरे जो टिप्स है सिर्फ प्योरली मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, ये आपको बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, बट फिर भी एडवाइस ये है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट हमेशा करें। अगर बिकॉज बच्चों का मामला है, बच्चों के मामले में हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो मेरी तरफ से यही आपको डिस्क्लेमर है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और कुछ आप ये सब मेडिसिंस का ध्यान रखिए जो आपने रखनी है घर पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा किट दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह की मेडिसिन आपको रखनी चाहिए घर पर। तो देखिए, ये एक छोटी सी किट है जो हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। इसमें ये एक छोटा सा मैंने कार्टन का बॉक्स बनाया हुआ है, जो आप जनरली अमेज़न की डिलीवरीज होती है तो ये बॉक्स आते हैं, उसको मैंने थोड़ा कवर करके इस तरह से इसे रखा हुआ है। आप चाहे किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, आप परचेस कर सकते हैं कोई फर्स्ट एड बॉक्स या आप कोई टिन के बॉक्स में जिसमें लिड है उसमें रख सकते हैं। मेरे लिए कम्फर्टेबल है, मैं इसे यूज़ करती हूँ। और दूसरी चीज़ है, आप मेडिसिंस को थोड़ा हाई रखिए ताकि वो बच्चों के रीच से दूर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी, थर्मामीटर से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दो तरह के थर्मामीटर्स रखे हुए हैं। ये जो है ये डिजिटल थर्मामीटर है, ये इसकी स्क्रीन थोड़ी अभी ख़राब हो रखी है बिकॉज़ मेरी बेटी ने इसे एक बार फेंक दिया था तो स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो ये मैं तब यूज़ करती थी जब वो बहुत छोटी थी, जब उसके मूवमेंट्स कम होते थे। इनिशियल 6 to 8 months में इसकी यूज़ हुई, जब आप अंडर आर्म पीट से यूज़ कर सकते हो बेबी का टेम्परेचर लेने के लिए। तो ये मैं तब यूज़ करती थी उसका टेम्परेचर लेने के लिए। और उसके बाद जब उसने मूवमेंट स्टार्ट की, वो इसे यूज़ करने नहीं देती थी मुझे, तब हमें ये लेना पड़ा। ये है इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, ये बहुत इजी टू यूज़ होते हैं। इसमें आपको बॉडी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट आपको हेड के पास इसे ले जाना होता है। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह का होता है। ये कुछ इस तरह के होते हैं, यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। यहाँ पे इस थर्मामीटर के ऊपर मैं एक स्पेसिफ़िक वीडियो करूँगी ताकि इसके फंक्शंस पे बता सकूँ। ये एक्वाश्योर कंपनी का है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसके भी आपको रिव्यू अच्छे लगे आप ले सकते हैं। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये ठीक लग रहा है। टेम्परेचर आपको इस पोर्शन को अपने हेड के पास, सपोज़ ये आपका हेड है और आपको इसको अपने हेड के पास ले जाना है, अराउंड इतनी दूरी पर रखना है,
और उसे स्कैन बटन प्रेस करना है तो इमीडिएटली विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स टेम्परेचर आ जाएगा और इस स्क्रीन पे ब्लिंक हो जाएगा। तो आपको इजीली बच्चे के टेम्परेचर देखने में बहुत आसानी होती है, बिकॉज इस समय बच्चे ना बिल्कुल आपको डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करने नहीं देंगे। तो हमें ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लगा जो मैं अपने फर्स्ट एड किट में ऐड करके रखती हूँ। तो ये आप बिल्कुल एक परचेज करके रखिए अगर आपका बच्चा छोटा है, बिकॉज वो आपको आर्म पिट्स में अब यूज़ करने नहीं देंगे डिजिटल थर्मामीटर या नॉर्मल थर्मामीटर। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ वो है ये सैनिटाइज़र, ये बैक्टोरब का सैनिटाइज़र है। तो जब भी आप कोई भी मेडिसिन दे बच्चे को या बच्चे को टच करे या बच्चे को नहला के लाए या कोई भी लोशन या क्रीम लगाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सैनिटाइज़ करें हैंड्स, और उसके बाद ही आप बच्चे के साथ कोई भी मेडिसिन दे या कोई भी चीज़ उसके साथ यूज़ करें। अब ये है मेरे पास डायपर रैश क्रीम, ये हिमालय की नॉर्मल डायपर रैश क्रीम है जो मैं जब भी बेबी को डायपर पहनाती थी तब उसे पहले ये लगाती थी, इधर मैं ये लगाती थी या कोकोनट ऑयल लगा लेती थी और उसके बाद उसे डायपर्स पहनाती थी। बट एक समय आया कि बिल्कुल मेरी बेटी के रैशेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, कुछ फेस्टिव सीज़न था जिसके कारण हमें रेगुलरली बहुत ज़्यादा डायपर पहनाना पड़ा उसे, और उसके कारण ना जो एरिया था वो मे बी ड्राई नहीं हो पाता था। मैं वैसे तो बहुत ध्यान रखती हूँ उसका कि रेगुलर डायपर ना दूँ, उसे नैपी फ्री टाइम दूँ, बट उस समय ये हुआ कि साइमल्टेनियसली उसके एक जैसे एक डायपर फिल होता था उसको चेंज करके मैं दूसरा डायपर पहना देती थी, जिसके कारण उसके रैशेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। उस टाइम इस रैश क्रीम ने खास काम नहीं किया, तब मैंने अपने डॉक्टर से सजेस्ट किया और उन्होंने मुझे ये एब्जॉर्ब पाउडर बताया था। ये एक एंटी फंगल पाउडर है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल पाउडर है। ये मैंने पहले भी देखा हुआ है ये हमारे पेरेंट्स को यूज़ करते हुए, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये हम बच्चों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं क्या। जब मैंने इसे एक या दो एप्लीकेशन के बाद ही ये बिल्कुल मेरी बेटी के जो रैशेज हुए थे, जो वो प्राइवेट एरिया होते हैं, वो बिल्कुल रेड हो गई थी, और ये एक दो एप्लीकेशन के बाद ही बिल्कुल ठीक हो गए थे उसके रैशेस। तो मैं अश्योर करती हूँ कि इसका एक बॉक्स हमेशा अपने पास रखो, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। आप हमेशा इसके एक दो सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं मेरे लिए ये वर्क किया, आप एक बार अपने डॉक्टर के पास जब भी विजिट करें तो कंसल्ट कर ले कि ये इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये क्यों मैं दे सकती हूँ, क्यों हिमालय काम नहीं कर रहा और ये काम करेगा। डॉक्टर ने बोला जब भी आप डायपर्स पहनाओ तो आपको रैश के लिए एक ऐसा पाउडर या क्रीम लगाना चाहिए जो जिंक ऑक्साइड बेस्ड हो। तो ये बिल्कुल जिंक ऑक्साइड बेस्ड है, इसके इंग्रेडिएंट्स में मेंशन्ड है, आप देख सकते हो परचेज़ करते टाइम। तो आप ये एब्जॉर्ब पाउडर हमेशा अपने पास लेके रखो, ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, आप आराम से इसे हमेशा एक, बिकॉज मुझे लगता है ये आपको हमेशा एक रखना ही चाहिए। अब आते हैं हम पैरासीटामोल्स में, ये है कैल्पोल ड्रॉप्स। कैल्पोल ड्रॉप्स हम तब देते हैं जब हमें लगता है बच्चे के फीवर हो गया है, या जब हम बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं तो फीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या उनको पेन होने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में डॉक्टर हमें बोलते हैं हमेशा कैल्पोल ड्रॉप्स घर पर रखो, और जब भी देखो टेम्परेचर 100 से ऊपर हो रहा है बच्चे का इमीडिएटली आपने कैल्पोल ड्रॉप्स दे देने हैं। हर 6 to 8 आवर्स के गैप में आपने देना है कैल्पोल ड्रॉप्स, बिकॉज उसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है, और आपको बच्चे के टेम्परेचर में हमेशा रेगुलेशन चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, बिल्कुल हाई नहीं जाना चाहिए बच्चे के टेम्परेचर को, तो हमेशा कैल्पोल ड्रॉप्स आप दे के रखिए। अब ये एक पैरासीटामोल है जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। दूसरी चीज़ ये है मेफकाइन फोर्टे, ये मैनकाइंड कंपनी का है। एक बार मेरी बेबी के बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था तो बिल्कुल कैल्पोल ने काम नहीं किया था, हमें डॉक्टर के पास रश करना पड़ा, तब डॉक्टर ने बोला आप मेफकाइन फोर्टे दो, उसका हमने जो भी डोज उन्होंने बताई थी वो दिया था हमने उसे, जिसके कारण उसकी फीवर उतर गई थी। तो ये एक पैरासीटामोल का पैकेट एक और मैं रखती हूँ हमेशा अपार्ट फ्रॉम कैल्पोल, फर्स्ट ऑप्शन हमेशा कैल्पोल ही होता है, बट अगर वो वर्क ना करे तो मैं मेफकाइन फोर्टे में स्विच कर जाती हूँ। अब नेक्स्ट हम आते हैं वो है कॉलीमैक्स। कॉलीमैक्स कॉलिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अगर बच्चे को पेट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कॉलिक प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएटली कॉलीमैक्स उन्हें दे सकते हैं। डोज मैं हर मेडिसिन का आपको बार बार यही बताऊंगी, डोज आप वही दें जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है और उसके अकॉर्डिंग ही दें आप डोज़,
बिकॉज हर बच्चे के एज के जैसे जैसे मंथ वाइज बच्चे के एज ग्रोथ होती है तो डोज भी उनके चेंज हो जाते हैं, और डोज एग्जैक्टली वही थे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है. तो कॉलीमैक्स हमेशा, अगर बच्चा नींद से परेशान हो रहा है, कुछ और वर्क नहीं कर रहा है, तो हमेशा जनरली 6 मंथ्स to 8 मंथ्स के बच्चे को कॉलिक की ही प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो आप कॉलीमैक्स दे. ये देखिए ये कॉलीमैक्स है, इसके कई, ये देखिए ये कॉलीमैक्स है, इसके कई सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, कॉलिक एड भी आता है, जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कॉलिक रिलेटेड एक मेडिसिन आप हमेशा अपने पास रखें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. अब नेक्स्ट जो आता है वो है ये सेलिन नेजल स्प्रे, ये नेजो क्लियर है, ये बिल्कुल एक सेलिन ड्रॉप्स है, आप इसको एवरीडे भी यूज़ करें. स्पेशली ठंड में मैं क्या करती थी, जब भी बेबी को नहला के आती थी तो उसके दोनों नॉस्ट्रल्स में एक एक ड्रॉप डाल देती थी, और या जब भी मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी इनिशियल डेज में तो एक एक ड्रॉप्स दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल देती थी, ताकि उसे ईजिली वो ब्रेस्ट फीड कर पाए. और अगर किसी भी तरह की कंजेशन है, नो स्टफी है, तो ये हमेशा काम करते हैं. इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ है, आप इसे एवरीडे भी यूज़ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आपके बेबी के स्टफी नोज़ को क्लियर करती है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. तो सेलिन ड्रॉप्स हमेशा अपने पास घर पे रहे. कई बार बच्चे इतना ज़्यादा रोने लग जाते हैं कि उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय भी ये आपको हेल्प करेंगे. तो सेलिन ड्रॉप्स की हमेशा एक बॉटल हमेशा अपने पास रखें. अगर फिर भी आपको ये सेफ़ ना लगे तो घर पे भी सेलिन ड्रॉप्स बनाए जाते हैं. ये जनरली एक सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, वही ईजिली इस पैक में आता है, सेफ पैक में, तो आप घर पर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ईजिली ये बॉटल लाएँ और बच्चे के नॉस्ट्रल्स में डाल दें. नेक्स्ट जो है वो है मैक्स्ट्रा ड्रॉप्स. मैक्स्ट्रा ड्रॉप्स एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस ये यही कहूँगी कि ये जो मेडिसिन है, जब बेबी को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है तो ये दिया जाता है. काफ़ी कफिंग स्नीजिंग होती है, तब डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था. हमने 2-3 पीडियाट्रिशियंस को चेंज किया है अपने, तो जब भी मेरी बेबी को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती थी जनरली सब ने मुझे मैक्स्ट्रा ही प्रिस्क्राइब किया था. तो हमेशा मुझे डोज का भी आइडिया हो गया इसका, डॉक्टर से भी मैंने पूछ के रखा हुआ था, अपना एक चार्ट बनाया हुआ मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैं मैक्स्ट्रा बेबी को दे देती हूँ. तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, तो आपको मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसे हमेशा रखें. हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने इसे सजेस्ट किया तो हमेशा इसकी एक फाइल आप घर पर रखें. नेक्स्ट जो आती हैं वो होते हैं जो नेजल सिरिंज आते हैं, मेडिकल सिरिंज या ड्रॉपर्स आते हैं, कि जब भी आपके बेबी का नोज़ बहुत स्टफ़ी हो गया है, और क्योंकि म्यूकस फॉर्म हो जाता है और बच्चे ब्लो नहीं कर पाते हैं, तो उस समय बल्ब सिरिंज काम आते हैं. वो मेरे पास अभी नहीं है, मैंने मंगवाया था, किसी कारण वो कट हो गया था, आई डोंट नो कैसे, तो मुझे उसे डिस्कार्ड करना पड़ा. तो वो एक नेजल एस्पिरेटर साथ है, बल्ब सिरिंज कुछ इस तरह के दिखते हैं, वो आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएंगे. तो बच्चे, हमें पता है, ब्लो नहीं कर पाते अपना नोज़, तो वो क्या करते हैं, हमें उसका जो ये थिन वाला एंड है उनके नोज़ में डालना पड़ता है, और ये उसकी पूरी प्रोसेस आपको इसके पैकेट में दिख जाएगी. तो ब्लो करके आप इसका, जो बच्चे जब स्नीज करते हैं तो ये उसको खींच लेता है, तो इस तरह उनके म्यूकस को ये होल्ड करने में हेल्प करता है, और आप बेबी को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है. तो एक नेजल एस्पिरेटर या बल्ब सिरिंज हमेशा आप अपने घर पे रखें. हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसे यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. साइमल्टेनियसली आपको नया वीडियो देखने मिलेगा, तो मैं इसे यहीं स्टॉप करती हूँ. आप वेट करिए इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए.